क्वेश्चन नंबर चार, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स है। आई इजक्ल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको आईलेट बताया था कि इसमें कैसे प्रथम और द्वितीय फलन फंक्शन मानते हैं। तो इसको हम मानेंगे प्रथम और इसको क्या मानेंगे द्वितीय। ठीक, डैट सिंपली हम इसे क्या करेंगे, आई इजकल टू क्या हो जाएगा, प्रथम और द्वितीय फलन माने तो क्या होगा, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन। द्वितीय फलन का समाकलन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, द्वितीय फलन का समाकलन क्या होगा, ई टू डी पावर ए एक्स। ठीक, ई टू डी पावर एक्स अपान ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्रथम फलन का अवकलन, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, टू एक्स इंटू द्वितीय फलन का समाकलन। द्वितीय फलन का समाकलन हम लिख दे रहे हैं ई टू डी पावर ए एक्स, सॉरी ई टू डी पावर यहाँ पर होगा ई टू डी पावर ए एक्स डी एक्स, और इसमें हम टोटल का समाकलन करेंगे। डैट सिंपली हम लिख देते हैं आई इजकल टू वन बाई ए एक्स स्क्वायर इंटू ई टू डी पावर ए एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स, ई टू डी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू डी पावर ए एक्स अपान ए इंटू डी एक्स। अब हम इसे क्या मान लेते हैं, इसे मान ले हम आई वन मान ले और इसे मान ले हम आई टू। ठीक है, ये टोटल को हम आई टू मान ले यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो आई वन और आई टू। तो अब आई वन तो हल हो गया, अब आई टू को हल करना है हमें, तो आई टू हल करना है तो डैट सिंप्लाई आई टू इजक्ल टू क्या है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टू अपान ए इंटू एक्स इंटू ई टू डी पावर एक्स डी एक्स। डैट सिंप्लाई माइनस टू अपान ए, ये कॉन्स्टेंट तो बाहर हो जाएगा, एक्स इंटू ई टू डी पावर ए एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें फिर प्रथम इसको मानेंगे और द्वितीय इसको मानेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझ में आ रहा होगा तो अगली वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा कि कैसा वीडियो है, और लाइक भी कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। तो ये इसका देखते हैं, माइनस टू अपान ए प्रथम फलन, प्रथम फलन क्या है, एक्स इंटू द्वितीय फलन का समाकलन क्या हो जाएगा, ई टू डी पावर ए एक्स अपान ए, माइनस प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन का अवकलन क्या हो जाएगा, एक्स का अवकलन क्या होगा, वन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन क्या हो जाएगा, ई टू डी पावर ए एक्स अपान ए हो जाएगा, और फिर टोटल का हम समाकलन कर दे रहे हैं। देखिए ये सब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो पहली वीडियो का आप जरूर देखिए, ये जो है इंटीग्रेशन बाई पार्ट का पहली वीडियो जरूर देखें। डैट सिंप्लाई हम लिखेंगे माइनस टू अपान ए, ठीक है, इंटू एक्स बाई ए इंटू ई टू डी पावर ए एक्स माइनस, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई टू डी पावर ए एक्स अपान क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, दैट सिंप्लाई। अब आई टू जो होगा, आई टू इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू अपान टू इंटू ई टू डी पावर एक्स कामन ले लेते हैं, ई टू डी पावर एक्स कामन ले ले और इसमें भी नीचे ए कामन ले ले, तो हो जाएगा ई टू डी पावर एक्स अपन ए कामन लिए हैं तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा, ई टू डी पावर ए एक्स अपान ए। अब हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर क्या देंगे, आई इजकल टू क्या होगा, आई वन प्लस आई टू। तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा, आई वन क्या है, आई वन जो वैल्यू है ये है, तो वन बाई ए इंटू एक्स स्क्वायर ई टू डी पावर ए एक्स है, और आई टू ये है, ये वाला आई टू ये है, तो क्या करेंगे, माइनस टू अपान ए ई टू डी पावर ए एक्स इंटू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ई टू डी पावर क्या हो जाएगा,
ए एक्स अपान ए, ठीक है। इन तो हम क्या करेंगे, अब प्लस लास्ट में हम कांस्टेंट जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम ई टू डी पावर ए एक्स अपान में हम क्या करते हैं, ए क्यूब कामन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, ए क्यूब कामन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए क्यूब कामन लेते हैं, यहाँ पर ए कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू, ये क्या हो जाएगा, ई टू डी पावर एक्स अपान में ए है कामन, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये माइनस टू को अंदर ले जाओ, ठीक है, और ये क्यूब बचेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और सॉरी इसमें ये जो होगा, ये ए कामन लिए है माइनस टू अपान ए, और ए कामन लिए तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स हो जाएगा, और प्लस टू हो जाएगा, अब प्लस सी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और या फिर समझ में ना आए तो आप इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अगली वीडियो और अच्छे से बनाऊँगा, इससे मुझे ये फ़ायदा होता है। हेलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो क्या करेंगे, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स, हम इसको क्या मानेंगे, इसको प्रथम फलन मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, दो। ये सब आइलेट के हिसाब से चलता है, अगर आप समझ नहीं रहे हो तो आप पहली वीडियो हमारी ज़रूर देखें, ये जो है इंटीग्रेशन बाई पार्ट का पहली वीडियो देखें। तो क्या करेंगे हम, प्रथम फलन फॉर्मूला होता है प्रथम फलन, तो एक्स स्क्वायर इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, साइन एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस प्रथम फलन का अवकलन क्या हो जाएगा, टू एक्स एक्स स्क्वायर का इंटू साइन एक्स, द्वितीय फलन का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और एक बार फिर से टोटल का हम समाकलन कर देंगे, ठीक है। डैट सिंप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टू एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब हम फिर इसको आई वन मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं आई टू, फिर से एक बार हम आई टू को सॉल्व करेंगे, तो आई टू बराबर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ टू को बाहर कर देते, कांस्टेंट है, एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो फिर अब क्या करेंगे, इसको हम प्रथम मान लेंगे और इसको द्वितीय मान लेंगे, तो यहाँ पर हम टू बाहर हो जाएगा, प्रथम फलन एक्स इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स, माइनस प्रथम फलन का अवकलन, एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, वन, द्वितीय फलन का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और इसका एक बार फिर से समाकलन, डेट सिंप्लाई टू क्या हो जाएगा, एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का कॉस एक्स, ठीक है, डेट सिंप्लाई। अब क्या करेंगे, आई इजकल टू आई वन प्लस आई टू, ठीक है, डैट सिंप्लाई आई इजकल टू क्या करेंगे, आई वन प्लस आई टू, तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा, आई वन क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, आई वन ये है माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, प्लस आई टू क्या है, प्लस टू, ये जो आई टू है एक्स साइन एक्स इंटू कॉस, सॉरी प्लस क्या है, कॉस एक्स, ठीक है, डेट सिंप्लाई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डेट सिंप्लाई क्या हो, आई इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है, प्लस टू एक्स साइन एक्स, ठीक है, प्लस टू कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर प्लस ये कांस्टेंट जोड़ देते हैं, प्लस कांस्टेंट जोड़ दीजिए,
दैट्स इम्प्लाई ये आई जो होगा आई इजक्ल टू क्या हो जाएगा, टू एक्स साइन एक्स को इधर रहने दे, टू एक्स साइन एक्स मैंने इसको यहाँ रखा, फिर क्या करेंगे इसमें कॉस एक्स जो है, इसमें भी कॉस एक्स, इसमें भी कॉस एक्स है, तो प्लस में कॉस एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टू बचेगा, टू और माइनस यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और अच्छे से इसे सजा लेते हैं, टू एक्स साइन एक्स प्लस टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका हो जाएगा आंसर।